ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन हमें प्रश्न पूछता ही रहता है पर किसी का पूरा उत्तर नहीं मिल पाता? बेटा, उत्तर मिलने तक रुकना नहीं, प्रश्न जरूर एक दिन हार जाएगा। फकीर दाढ़ी और बाल क्यों बढ़ाते हैं? क्या आपने कभी नर्क देखा है या फिर कभी आप भगवान से मिले हैं? जब भगवान बुद्ध का अंत समय आया तो वो सबसे विदा लेकर निर्वाण को प्राप्त हुए। ये निर्वाण क्या चीज होती है? मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा था और मेरे सवाल भी। कभी मैं सूफियों की दरगाह में जाकर उनके जवाब तलाशता तो कभी साधुओं की टोलियों के साथ घूमता फिरता। मनुष्य के इतिहास में रचे गए हर शास्त्र द्वारा उस परम रहस्य को जानने की कोशिश करता पर उन मुर्दा शब्दों ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बोलेगा, वो बताएगा, वो दिखाएगा। अरे बाबा, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरे पैर छू रहे हैं। तुम्हारे नहीं, जो आने वाला है ना उसके। आज से ठीक एक महीने बाद माते, मैं राजा को अपने साथ भारत भ्रमण पर ले जाना चाहता हूँ। आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही तय करनी होगी। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ तो मैं समझ पाया पर बहुत कुछ है जो मैं समझ नहीं पाया। कोई चकोरवा अपने गुहार जगाए दिए जाए। धीरे धीरे मेरे प्रश्न लौट कर मेरी तरफ ही आने लगे। मैं सब कुछ करके हार गया था। उस दिन मैंने तय किया कि या तो जीवन का अंत या जवाब। तुम अब बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे पर अलग ही आभा नजर आ रही है। तुम्हारी आंखों में आज अनंत शांति झलक रही है। जाओ और संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान और प्रेम से रंग दो।